Hey friends, good morning. Lavkush again, your friend. आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे सच के साथ हुई है कि यकीन नहीं किया जा सकता उस बात पे। मेरी कॉलोनी का एक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक डॉग मेरा जिसको मैं हमेशा फूड डालता था आज वो आज वो मर गया, एक्सपायर हो गया। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि एक बहुत सारे थिएटर लाइफ में चल रहे हैं एक साथ। जैसे देखो यहाँ पे आज माहौल गम का है और बाजू में किसी की शादी है, तो लाइफ इज़ लाइक दिस ओनली मीन्स प्ले थिएटर। कोई खुश है, कोई गम है, हमें पता नहीं हम कब तक हैं इस लाइफ में। जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी करने के लिए आए हैं, जो भी हमको करना है वो हमको ऑन टाइम करना चाहिए, कल न जाने क्या हो, राइट? तो देखता हूँ लाइफ को तो ऐसा लगता है यार ये व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। मैं यहाँ पे बहुत पीस महसूस करता हूँ जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। ये बनी एंट्री है 200 ईयर ओल्ड, ये भी अलोन सा है और काफ़ी लोगों से एकांत में है, शांति देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। सब दिखावा लगता है मुझे, जो लोग चेंज, लोग तो मुझे पसंद है। आप भी सोचोगे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। दैट इज़ ट्रू, लोग सब सेल्फिश हैं और आफ्टर दैट आई फील लाइक नेचर इज़ माई गुड फ्रेंड, कैमरा इज़ माई गुड फ्रेंड। लोग एटलीस्ट जैसे हैं वैसे दिखते हैं। तो मैं उस डॉग के बारे में बता रहा था, उसका नाम मिली था और वो आज एक्सपायर हो गया। उसका एक पार्टनर था, उसके साथ वो हमेशा घूमता था। कितने पेन, दोनों यहाँ अकेले रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे, कितना पेन ये लोग आपस में बोल भी नहीं पाते, शेयर भी नहीं कर पाते कि इनको कितना दर्द हो रहा है। उसका साथ ही जो हर दुख, हर रात, हर सुबह, हर शाम उसके साथ था, आज वो नहीं रहा, उसका साथी भी नहीं रहा। हाउ ही फील, मोती उसका नाम है दूसरे का, वो कैसा फील कर रहा होगा। आई एम वेरी सैड और आई बिलीव भगवान उन दोनों को, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसको दूसरे को खुश रखे। मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं करूँगा, फूड देना। आई विल इंट्रोड्यूस यू, मोती इज हियर। मोती, मोती गार्डन में देखा मैंने। कम कैमरा देखे, कम इसको और मिलकर रोज में सुबह एग डालना, ये डालना। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, बैठो बैठ बैठ सिट आई कैन, कोई बात नहीं, आई एम विद यू, डोंट वरी। ये लोग बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाते लेकिन इनकी भी फीलिंग्स है, इनको दर्द होता है यार, इनको भी दर्द होता है। अब ये तो गाइस Life is like this only. मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, आई एम सो हैप्पी हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू आईडी हैप्पी मीन्स मोती नो। तो बहुत अफसोस है, वो बेचारी हमेशा मतलब मेरे गेट पे आके बैठती थी। मैं हमेशा उसको एग, रात को भी उठता था 11 बजे देखता था विंडो में से कि वो बैठी है। यदि वो बैठी होती है तो उसको मैं एग या बिस्किट्स रात को भी डालता था निकल के, क्योंकि यार रियली वो बहुत हमेशा मेरे पीछे पीछे वॉक करना डेली मॉर्निंग में। तो सच में उसकी मिस तो मैं करूँगा उसे। और तो लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, लाइफ को रीड करें तो बहुत कुछ है सीखने को कि कैसे ज़िंदगी करवट कभी भी ले सकती है। तो गाइस जो ड्रीम्स हैं अपने आप करो, सबसे अच्छी तरह खुशी से प्यार डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि किसी का दिल मत दुखाओ। हमेशा लोगों से प्यार करो, जानवर से प्यार करो, नेचर से प्यार करो, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने बच्चे।